ये वहाँ से इसके मुंह के नीचे से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा सीधा सपाट। आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो में आप लोगों को कॉर्व फिशेज जो होती हैं, ये कॉमन कॉर्व फिश है, आप लोग देख रहे हैं, इसमें मेल और फीमेल फाइंड करना। इसके ज़रिए अगर आप लोग इस पूरे वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो मैं इसमें आपको सभी तरीके से दिखाऊंगा। मतलब फिश को इस टैंक से निकालूंगा और दूसरे टप में ले जाके, और काफ़ी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जैसे जो बेसिक फिशेस होती हैं आपकी गोल्ड फिशेस वगैरह, और जैसे आपकी रेड कैप्स हो गई, मौली, गप्पी, उनका जितना इजी होता है मेल फीमेल फाइंड करना, उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब इसमें काफ़ी ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों ही देखने में, और उनकी जो फिन्स के डिज़ाइन होते हैं वो भी सेम ही होते हैं। तो उम्मीद करूँगा आप लोग इस पूरे वीडियो को देखोगे तभी आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो और वीडियो में भी पहली बार हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूँ। आपको मैं बताऊंगा कि इसमें एक ख़ास चीज़ होती है मेल और फीमेल फाइंड करने की, जो आपका ऊपर वाला बॉडी का शेप होता है, जो कॉर्व फिशेस होती हैं, जो फीमेल होती है उसका एकदम राउंड शेप में होता है, गोल, और जो मेल होता है वो लंबा होता है, स्लिम टाइप का। अब मैं आप लोगों को इसे स्पेशली, एक टैंक मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, क्रिस्टल क्लियर और एकदम क्लीन वाटर है उस पर, तो उस पर मैं ले जाता हूँ और आप लोगों को इस फिश को, दोनों को डालता हूँ, मेल फीमेल को। पहले मेरे हाथ में फीमेल आई है, इसे मैं बाल्टी पहले कलेक्ट करता हूँ, और एक है मेल, ये इन्हें आइए मैं लेके चलता हूँ। ये मैंने एक टैंक तैयार किया हुआ है आप सभी लोगों को, इसे मैं अच्छे तरीके से दिखा पाऊँ। सबसे पहले मैं निकालूँगा इससे एक फीमेल फिश, उसके बाद मैं निकालता हूँ मेल। आप लोग देख सकते हो ये ऑरेंज कॉर्प है, इसे गोल्डन कॉर्प भी बोल सकते हैं। ये जैपनीज कॉर्प्स के ही मिक्स ब्रीड्स होती हैं, इन्हीं के जरिए गोल्ड वगैरह फिश बनी हुई थी। आप लोग फ्रंट से देखेंगे ज़रा कि जो मेल है ये है, इसमें सिर्फ दो फिशेस इसके लिए रखा हूँ मैं, जिससे आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोग ये देखें, सबसे पहले जो फीमेल है ये कैसे ऊपर से एकदम गोल शेप से आ रही है पीछे तरफ, धनुष के जैसे यूं, और ये वो फीमेल धनुष के जैसे यूं आ रही गोल। अब यहीं पर ये मेल है, ये पहले ऐसे सीधा ऊपर जा रही है और फिर ऐसे नीचे जा रही थी, कोना यूं और यूं, लेकिन फीमेल ऐसे राउंड शेप में। पहला आप लोगों को डिफरेंस बता रहा हूँ। दूसरा डिफरेंस होता है इनकी नीचे तरफ, उसका डिफरेंस समझना काफ़ी इजी भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। और ये इस कॉर्प को समझने और जानने में आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं लगेगा किसी भी, अगर आप चाहे ब्रीडिंग करवाना चाहते हो, या एक ब्रीडर हो, या एक्यूरियम सेलर हो, या एक्यूरियम हॉबिस्ट हो। अब मैं आप लोगों को इन्हें ऊपर से दिखाता हूँ, और इन्हें मैं एक एक को, ऊपर के हिस्से को मैंने उम्मीद करता हूँ अच्छे तरीके से समझा दिया है। अब मैं आपको इसके नीचे वाले हिस्से को समझाता हूँ, और नीचे वाले कुछ फिन्स को भी अपन लोग पहचानने की कोशिश करेंगे, जिसके ज़रिए मैं आप लोगों को क्लियरली मेल और फीमेल को पहचानने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बट ये है कि आपका जो ख़ास पॉइंट है और डिज़ाइन है, उसके ज़रिए आप लोग देख सकते हो ऊपर तरफ से भी। पहले आप साइड से देखें, ये मेरे हाथ में मेल है, मेल में क्या है, सॉरी, ये सीधी आ रही है नीचे से ना, ये उसके मुंह से लेके ये पीछे तक के हिस्से में ये सीधा आया हुआ है यहाँ तक, और यहाँ पे इस फिन के नीचे आप देखें हल्का सा नीचे तरफ ये बैंड है, यहाँ पे घुमावदार फिर सीधा आया हुआ है, और इसका जो पीछे वाला पंख है सबसे पीछे इसके नीचे वाला, ये भी आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा नुकीला है, हल्का सा। अभी मैं पकड़ता हूँ फीमेल को, काफ़ी एक्टिव कार्प्स हैं, पकड़ने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है क्योंकि
साइज इनकी थोड़ा सा बड़ी रहती तो ही अच्छे तरीके से पकड़ में आती हैं फिशेस। अब आप लोग देख सकते हो ये फीमेल है, ये नीचे तरफ एकदम सीधा आ रही है, सीधा यहाँ से इसके मुंह के नीचे से आप देखना, ये यहाँ तक, ये यूँ यूँ कहाँ तक सीधा आया है, यहाँ तक जहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके यहाँ पे गहराई नहीं है, अंदर तरफ ये नहीं गया हुआ है, ये वहाँ से इसके मुंह के नीचे से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा सीधा सपाट। और ये आप फिन देख सकते हो इसका, ये नीचे वाला यहाँ पे गोल है, ये तो खैर गोल होते हैं, बट ये गोल्ड फिशेस में अगर देखा जाए तो मेल के ये नुकीले होते हैं और फीमेल के गोल होते हैं, बट कॉर्प में ऐसा नहीं होता, कॉर्प के मेल और फीमेल दोनों के ही गोल होते हैं। आप लोग देख सकते हो ये पूरा का पूरा हिस्सा फीमेल का यहाँ तक सीधा सपाट आ रहा है, कहीं पे ना मुड़ा है ना बैंड है ना कुछ है, और ऊपर तरफ भी आप लोग देख सकते हो राउंड शेप, यूँ 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 धनुष के जैसे एकदम सी गोल, मतलब कितने क्लियर तरीके से इजी तरीके से आप लोग फाइंड कर सकते हो राउंड शेप। और आप लोग ध्यान रख सकते हो राउंड शेप एंड लॉन्ग शेप और टेंट शेप भी बोल सकते हो इसको। ये देखिए यहाँ पे ऐसे मुंडी इसकी आई हुई है, ऐसे उठी और ये यहाँ पे उठा हुआ है ये, और फिर सीधा नीचे तरफ डायरेक्ट। ओके अब इसे पलटाते हैं अपन लोग ज़रा सा, आप लोग देख सकते हैं वाले पंख पंख इस पे भी यहाँ पे गोल नुकीले नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे जो हिस्सा है इसका ये अंदर तक धंसा हुआ है, आप लोग ऐसे भी देख लो यूँ, मतलब नीचे वाला हिस्सा जैसे फीमेल का आप लोग देखें सीधा था, आप लोग ऐसे करके देखें, और इसका नीचे तरफ से बैंड है और ऊपर तरफ से भी बैंड है। आप लोगों को मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि दोनों फिशेस को साथ में भी मैं पलटा के दिखाता हूँ, क्या थोड़ा सा बड़े नाजुक हाथ से पकड़ना पड़ता है फिशेस को, बिकॉज आप थोड़ा सा भी ताकत लगाएंगे तो इनके फिन्स की जो नसें वगैरह होती हैं ना वो ब्रेक हो सकती हैं, उनमें ब्लड लाइन आ सकती है। आप लोग अब देखना मेरे हाथ में दोनों हैं, दोनों सीधी हैं, इस वाले हाथ में मेल है, इस वाले हाथ में फीमेल है। आप लोग देखो फीमेल को भी आप लोग देख सकते हो, मेल ये फीमेल ये मेल, अंगूठे से मैं बता रहा हूँ फीमेल मेल। अब आप लोगों को कुछ डिफरेंट समझ में आ रहा होगा इसके नीचे वाले हिस्से में भी, जो कि और पीछे वाले फिन में भी, मेल का जो फिन है ये वाला काफ़ी लंबा और नुकीला है हल्का सा, और फीमेल का छोटा है और गोल है, और मतलब कि ज़्यादा देर तक ऐसी कंडीशन में रखना नहीं चाहिए, फिश डिप्रेशन में चली जाएगी, बीमार भी हो जाएगी। आप लोग इसका फ्रंट व्यू देखें फिर से, अब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसे क्लियरली समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। आप लोग इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। वैसे जो टैंक है, जिस टैंक में ये वीडियो में बना रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का बना हुआ है, और ये टैंक हमारा डॉफिन कंपनी का बनाया हुआ है, इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कई सारी चीज़ों की लिंक दी हुई है जिसमें टैंक वगैरह भी हैं कुछ, तो आप लोग उस पर क्लिक करके ज़रूर देख सकते हो। और कुछ कॉर्प फिशेस के लिए स्पेशल फूड्स, फिल्टर, टेम्परेचर, थर्मामीटर, सारी चीज़ें, तो आप लोग कमेंट करके भी बताना कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है, फीमेल मेल। अगर आप लोगों को अभी थोड़े से कुछ डाउट लग रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, उन कमेंट्स का मैं आप लोग रिप्लाई करूँगा, और इसमें जो मेल फीमेल, और मैं कोशिश करूँगा अभी बटरफ्लाई कॉर्प्स जो होती हैं, बड़े फिन वाली कॉर्प्स होती हैं, उनमें भी मेल फीमेल का वीडियो भी आप लोगों के पास मिलाऊंगा। और ऐसी कई सारी फिशेस होती हैं जिनमें काफ़ी बारीक चीज़ें होती हैं, जिनकी वजह से आप लोग जान पाते हैं मेल कौन सी फीमेल कौन सी, उनके बारे में पूरी कोशिश करना, नॉलेज इकट्ठा करना, और आप लोगों के पास हिंदी में प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग उसके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करके बोलोगे वेरी ब्यूटीफुल वीडियो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।